गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ध्रुवण के बारे में अध्ययन किया था। ध्रुवण का बेसिक अपन ने देखा था कि ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण अपन कैसे डिनोट करते हैं, उसको दर्शाते कैसे हैं, और प्रकाश का जो ध्रुवण होता है उस ध्रुवण और अध्रुवण की जो अवस्था होती है उनको अपन यहाँ बोर्ड पर कैसे दर्शा सकते हैं, तो उसका छोटा सा अपन वापस रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि भाई क्या था उसमें, है ना। अपन ने प्रकाश की बात करी थी, है ना, और प्रकाश जो होता है उसका एक गुण होता है। प्रकाश का गुण जो था वो अपन कौन सा गुण पढ़ रहे थे, ध्रुवण, है ना। ये प्रकाश का जो एक गुण था इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, ध्रुवण। और हम कह रहे थे कि प्रकाश का जो मूलभूत गुण है इसके कारण प्रकाश में जो विद्युत क्षेत्र के जो घटक हैं उनको अपन किसी एक विशेष दिशा के अनुदिश क्या कर सकते हैं, कन्फाइंड कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, इसको अपन क्या कहते थे, प्रकाश का ध्रुवण कहते थे। किसी दिशा विशेष में प्रकाश में विद्युत क्षेत्रों के घटकों को या विद्युत क्षेत्र के घटकों को सीमित कर देना, फिक्स कर देना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है, है ना। और ऐसा जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को अपन क्या नाम देते हैं, ध्रुवित प्रकाश नाम देते हैं, ठीक है। और उसको दर्शाने के अपने पास तरीके कितने थे। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि ये जो ध्रुवण होता है प्रकाश का, तो ध्रुवित प्रकाश अपन को मिलता है, क्या मिलता है, ध्रुवित प्रकाश जो मिलता है इसके कितने प्रकार होते हैं, सामान्यतः बेसिक आपके एक याद रखने के लिए बता देता हूं, समतल ध्रुवित, ठीक है, और इसको अपन रेखीय ध्रुवित भी कहते हैं। कौन सा, रेखीय ध्रुवित, ये इसके नोटेशन के आधार पर अपन ने बात करी थी लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट कौन सा था, वृत्तीय ध्रुवित, ठीक है, और कौन सा होता है, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित, ये प्रकाश के अपन तीन प्रकार पढ़ते हैं सामान्यतः। यहाँ अपने वाले सिलेबस में समतल ध्रुवित यानी रेखीय ध्रुवित प्रकाश का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब अपने पास बात ये आती है कि इनका नोटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो नोटेशन करने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश में जो अपने पास पार्ट है समतल ध्रुवित प्रकाश है इसका नोटेशन अपन कैसे करते हैं। इसमें देखो ध्रुवित प्रकाश और दूसरा पार्ट कौन सा था, अध्रुवित प्रकाश। अपन केवल समतल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अध्रुवित प्रकाश को अपन ने कहा था कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल भाग है उसमें तो अपन कैसे बताते हैं उसको, ऐसे, ठीक है, ऐसे बताते हैं, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट फॉर्म है यानी अपन सामने से देख रहे हैं इस कागज़ के तल में, अपन को टू डायमेंशन में इसको बताना है, तो अपन क्या करते हैं जो संचरण वाला तल उसमें अपन देखते हैं, और सपोज इधर प्रकाश का संचरण हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपन जो ध्रुवण की स्थितियां हैं दोनों को अपन कंबाइंड रूप से ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। ये अध्रुवित प्रकाश होता है, आपको कई बार ऐसा भी मिल जाता है लिखा हुआ, वो भी अध्रुवित को दर्शाता है, और अपन इधर से देखते हैं तो अपन ने कहा था कि इसके केवल दो घटकों में इस बाकी घटकों को लेकर के विभाजित करके और बाकी की जो डायरेक्शंस हैं उनको अपन केवल दो घटकों में ही तोड़ सकते हैं और दो ही दिशाओं में दिखा करके इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अपन कह रहे हैं कि ये जो तल, ये जो कंपन आपके पास हैं, इस तरफ वाले कंपन ये कागज़ के तल में होते हैं, और संचरण की दिशा इधर है, है ना। संचरण की दिशा के क्या होते हैं देखो जरा, लंबवत होते हैं, और ये जो डॉट डॉट वाले दिखा रहे हैं ये इस तल के लंबवत वाली स्थितियां हैं, ये चौक वाली स्थिति है ना, और ये भी इस एक विशेष तल में रहते हैं और संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। ये अध्रुवित प्रकाश होता है। ध्रुवित प्रकाश जो समतल ध्रुवित की अपन बात कर रहे हैं वो कैसा था अपने पास, उसके लिए अपन कह रहे हैं कि दो प्रकार की स्थितियां थी अपने पास, या तो कंपन किधर हो इस तल में हो, ऐसे संचरण सपोज इधर हो रहा है प्रकाश तरंगों का, तो या तो कंपन किधर हो इस कागज के तल में हो कंपन, ठीक है, या कंपन किधर हो अपने पास, ये संचरण की दिशा है इधर, या कैसे हो कागज के तल के लंबवत हो, ये स्थिति है। ये दोनों ही प्रकार का जो नोटेशन है वो किसके लिए आता है, ध्रुवित प्रकाश, वो भी कौन सा, समतल या रेखीय ध्रुवित प्रकाश होता है, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है, सिंपल नोटेशन था अपन ने देख लिया था। अब हम कह रहे हैं कि हमने क्या कहा था, इधर सपोज एक्स ले रहे हैं, इधर वाई ले रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर जो भाग था ये कौन सा, ये जेड जो यूं है, ठीक है।
हम कह रहे हैं कि ये जो कंपन हो रहे हैं ई क्षेत्र के, वो किस दिशा में, वाई दिशा में, तो ये जो प्रकाश है समतल दूरी, तो वाई पोलराइज कहलाएगा, है ना, कि वाई दिशा में, और ये जेड दिशा में कंपन है क्योंकि संचरण अक्ष में बता रहे हैं, इसलिए ये कौन सा कहलाएगा, जेड पोलराइज लाइट कहलाएगी, ठीक है, जेड ध्रुवित, जेड दिशा में ध्रुवित। अब हमें अब क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है वो देखो, अपन देखते हैं इस लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां, कौन कौन सी विधियों से हम सामान्य जो अध्रुवित प्रकाश है उससे अपन क्या उत्पन्न कर सकते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। अपन जानते हैं क्योंकि सामान्य जो टॉर्च है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सूर्य है, इनसे मिलने वाला प्रकाश अपने पास कैसा होता है, अध्रुवित होता है। इसको ध्रुवित प्रकाश में यानी समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के अपने पास 5 मेथड है। एक तो कौन सा होता है, परावर्तन द्वारा, रिफ्लेक्शन द्वारा, ठीक है, दूसरा कौन सा है, अपवर्तन द्वारा, अपवर्तन का तरीका भी अपन लगा सकते हैं, रिफ्रैक्शन, तीसरा अपने पास तरीका कौन सा है, द्वि अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, चौथा अपने पास है डाइक्रोइज्म द्वारा, द्विवर्णता द्वारा, पांचवा अपने पास कौन सा बचता है, परकीर्णन द्वारा, स्कैटरिंग द्वारा, ये 5 मेथड अपने पास है, ठीक है। इन पांचों तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं, अध्रुवित जो प्रकाश होता है उस अध्रुवित प्रकाश को अपन किस में बदल सकते हैं, ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं, कौन से ध्रुवित में, समतल ध्रुवित प्रकाश में, अभी अपन इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो अपन देखते हैं वो क्या होता है, पहला ही मेथड अपन देख लेते हैं, इसको एक दूसरा तरीका, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये जो परावर्तन, ये जो अपने पास तरीका है परावर्तन वाला द्वारा, और इसको कहते हैं ब्रूस्टर का नियम, सामान्यतः इसका भी नियम अपन काम में लेते हैं, यही बात होती है जिसको अपन परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना कहते हैं, है ना, ये ब्रूस्टर द्वारा दिया गया एक नियम था, उसके अनुसार किस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन हुआ, देखो क्या हुआ, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा, उसने देखा कि अपने पास कोई माध्यम ले लिया अपने, इधर अपने पास कोई माध्यम है सपोज, है ना, ये अपने पास कोई माध्यम है, ये मीडियम है अपने पास, ठीक है, ये मीडियम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्या होता है इस मीडियम के लिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कितना है, n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये सघन माध्यम की तरह बिहेव करता है, सघन माध्यम, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या ले सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे कांच ले सकता हूँ मैं, या पानी ले सकता हूँ मैं, सामान्य जो अपने पास माध्यम होते हैं, पारदर्शी माध्यम जो होते हैं, ये बीच की इनके इंटरफेस है, ऊपर वाला जो सिस्टम है वो क्या है, एयर है, ऊपर वाला माध्यम क्या है, एयर है, आप जानते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एन वन होता है, मैं कह रहा हूँ कि सपोज ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एन वन कह दूँ, और इसको एन यानी सघन वाले को मैं क्या कह दूँ, एन टू, जो वास्तव में क्या है, एन है, अपने यहाँ एन ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा अपने पास, यहाँ अभिलंब वाली स्थिति है, ये अभिलंब वाली स्थिति है, ठीक है, एन वन एन टू, ठीक है। अब क्या होता है, इस सतह पर जहाँ ये इंटरफेस अपने पास मिलती है अभिलंब से, यहाँ पर आपतित प्रकाश अपन देखते हैं,
है ना। आपतित प्रकाश क्या देखा अपन ने, आपतित प्रकाश ये लिया और वो कैसा प्रकाश है सपोज अपने पास अध्रुवित प्रकाश है, ये क्या है आपतित प्रकाश, आपतित अध्रुवित प्रकाश, ये आपतित अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, क्या होता है अध्रुवित प्रकाश, इसलिए मैं इसको ऐसे दर्शा सकता हूं इस प्रकार से, ऐसे कंपोनेंट इसके आपको दिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है अध्रुवित प्रकाश है। ये किस कोण पर इंसिडेंट हो रहा है, आई वन कोण पर, आई वन कोण पर इंसिडेंट हो रहा है। और इसके बाद क्या होगा, अपवर्तित प्रकाश अपन को ऐसे मिल जाएगा इधर, ये एंगल कितना होगा आर वन, कौन सा एंगल होगा आर वन होगा। अब हम ये जानते हैं कि अध्रुवित प्रकाश है, इधर भी क्या मिलेगा अपन को, लगभग अध्रुवित सा ही मिलेगा, ठीक है अध्रुवित सा ही मिलेगा ये वाला। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड प्रकाश होगा जिस एंगल पर इंसिडेंट और उसी पर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये रिफ्लेक्शन कोण है ना, ये आई वन के बराबर ही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ही है। अब ब्रूस्टर ने क्या देखा, ब्रूस्टर ने देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये आंशिक ध्रुवित है, कैसी ध्रुवित है, ये आंशिक ध्रुवित है, कैसी देखी उसने, आंशिक ध्रुवित देखी। आंशिक ध्रुवित का मतलब इसमें ध्रुवण की अवस्था थोड़ी चेंज लगी उसको। फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये किया कि ये एंगल बढ़ाया, समझ गए, ये आपतित प्रकाश का एंगल बढ़ाया, ये आई बढ़ाया उसने, आई बढ़ाया, तो इसके लिए क्या मिला उसको, ये स्थिति मिली, अपवर्तित प्रकाश इधर मिला। इसको देखा कि ये भी थोड़ा सा आंशिक ध्रुवित है, इधर वाला भी अपवर्तित भी थोड़ा आंशिक क्या है ध्रुवित है, और ये जो जाएगा इस बार प्रकाश इस तरफ, ये इसमें ध्रुवण की, ये भी आंशिक ध्रुवित तो है, लेकिन इसमें अब की बार ध्रुवण की जो अवस्था वो और थोड़ी क्लियर हुई है, समझ रहे हैं मतलब, यानी ध्रुवण की अवस्था बढ़ी है इसमें, ध्रुवित प्रकाश की स्थिति बढ़ी है। अब उसने क्या किया, फिर इस एंगल को परिवर्तित किया और एक विशेष एंगल है ना, उसका मान कितना लिया, आई पी, आई बी कह सकते हैं सपोज, एक ही बात है ना, या आई पी कह दो, ब्रूस्टर के नाम पे आई बी भी कहते हैं कई बार, और अपन पोलराइजेशन के नाम पे उसको आई पी भी कहते हैं, है ना, यानी उस इंसिडेंट एंगल को अपन ने आई पी कहा है, जिसके लिए ये देखो क्या स्थिति रहती है, परावर्तित प्रकाश ये मिलता है, अपवर्तित प्रकाश ये मिलता है, और परावर्तित प्रकाश ये मिलता है ना, ये परावर्तित प्रकाश मिलता है। अब ये खास बात क्या है इस परावर्तित प्रकाश की, इस कोण पर है ना, इस कोण पर देखो क्या खास बात है, ये तो पहले वाला है, ये अब मिला अपन को, उसने ये देखा, किसने, ब्रूस्टर ने, कि ये जो अपने पास एक विशेष कोण है, यानी इसने इंसिडेंट एंगल का मान बढ़ाया बढ़ाया, तो उसने देखा कि 1 2 3 इधर से भी 1 2 3 इधर देख रहे हैं, पहली वाली प्रकाश जो परावर्तित आई प्रकाश तरंग, वो दूसरी वाली आई, तीसरी वाली, इनमें ध्रुवण का जो मान है वो बढ़ता हुआ आया, और एक स्थिति कैसी आएगी इस एक विशेष कोण आई पी के लिए क्या रहा, उसने देखा कि इधर जो परावर्तित प्रकाश है ये पूर्णतया ध्रुवित दिखी उसको, ये कैसा मिला उसको, पूर्णतया ध्रुवित मिला, ये स्थिति मिली उसको परावर्तित प्रकाश, और ये जो अपवर्तित प्रकाश है ना, ये आंशिक ध्रुवित मिला उसको, क्या मिला, आंशिक ध्रुवित मिला, ठीक है, ये तो कैसा मिला उसको, आंशिक ध्रुवित, और ये कैसा मिला, समतल ध्रुवित, और खास बात क्या देखी उसने, कि जिस कंडीशन में अपन को ये प्योरली ध्रुवित यानी पूर्णतः समतल ध्रुवित मिल रहा है, उस स्थिति में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, किस किस के बीच, परावर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच का जो ये एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये उसने देखा, समझ गए बात आप। तो अब ये जो अपवर्तन कोण होगा, इसके लिए ये जो अपवर्तन कोण होगा वो आर पी से डिनोट कर दे, किससे डिनोट कर दे, आर पी से, और ये भी, ये एंगल भी कितना होगा, आई पी होगा,
क्योंकि जिस आपतन कोण पर आई है प्रकाश किरण उसी पे तो जाएगी परावर्तन में, तो आईपी बराबर हो गया। और इधर अपवर्तन वाली जो स्थिति है उसके लिए बना गया कोण कितना है, आरपी है। तो ब्रूस्टर ने क्या कहा, ब्रूस्टर ने कहा कि एक विशेष कोण पर अगर अपन क्या करते हैं, एक विशेष कोण पर अगर अपन अध्रुवित प्रकाश की को किसी माध्यम की सतह पर आपतित कराते हैं तो वहाँ दो घटनाएं होती हैं, पहली तो अपवर्तन वाली, दूसरी परावर्तन वाली। और उस कोण पर आपतन कराने के पश्चात जो परावर्तित प्रकाश तरंग मिलती है वो हमें समतल ध्रुवित मिलती है, और उसके कंपन के तल उस कागज़ के तल के क्या हैं, लंबवत, यानी अपने ये जो प्लेन ले रखा है ना, इस प्लेन के क्या हैं, परपेंडिकुलर होंगी, ध्रुवण की अवस्था ये वाली होगी इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो परावर्तित जो अपवर्तित प्रकाश किरण गई है माध्यम में ये भी आंशिक ध्रुवित है, इसमें भी थोड़ा ध्रुवण आया है, पूरा नहीं आया, अभी भी है ध्रुवित ही है, लेकिन आंशिक थोड़ा असर देखा गया है कि इसमें भी थोड़ा ध्रुवण है, समझ गए बात आप, ये स्थिति उसको मिलती है। और उसने ये भी देखा कि इस स्थिति में ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है ये और ये जो अपवर्तित है ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा, समझ गए बात आप। और इस स्थिति में 90 डिग्री मिलने का मतलब क्या हुआ, देखो ये अभिलंब, देखो N1 N2 ये कितना 180 है, ठीक है 180 है, ये इतना भाग क्या हो गया आईपी, ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया आरपी। अब ये 90 है तो आईपी और आरपी दोनों मिलकर क्या हो गए, सरल रेखा के साथ बचे हुए कोण 90 हो गए, क्योंकि टोटल 180 है। तो क्या हुआ इस स्थिति में, अपने पास आईपी प्लस आरपी ये कितना हो गया 90 डिग्री, यानी आरपी कितना हो गया 90 माइनस आईपी हो गया, ये स्थिति अपने पास रखी, ठीक है, ये कंडीशन अपन को मिल जाती है। अब क्या कहते हैं ब्रूस्टर का नियम से, देखो क्या होता है, अब ऐसी स्थिति में स्नेल का नियम लगा दें अपन, तो बाय स्नेल लो स्नेल लो क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 अपॉन N1। यहां क्या है आई, क्या है आईपी ले रहे हैं अपन इस केस में, और आर क्या ले रहे हैं आरपी ले रहे हैं। N2 का मान कितना है अपने पास, N है, और N1 का मान कितना है, एयर है इसलिए 1 है, इसलिए अपने पास क्या हो गया साइन आईपी अपॉन साइन आरपी का मान कितना है 90 माइनस आईपी बराबर एन, क्या हो गया अपने पास देखो साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एन, या और क्या स्थिति टेन आईपी बराबर एन है ना, ये अपन को नियम मिला। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आया है यही ब्रूस्टर का नियम कहलाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, ब्रूस्टर के अनुसार। और इस एंगल को एक दूसरा नाम भी देते हैं, वेयर ये आईपी है ना, इस पर अपन को क्या मिला समतल ध्रुवित प्रकाश मिला परावर्तित किरण में, इसलिए इसको ध्रुवण कोण कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया ध्रुवण कोण, समझ गए, इसको ध्रुवण कोण कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजा, टेन को अपन क्या कहते हैं टेंजेंट को स्पर्शजा कहते हैं, ध्रुवण कोण की स्पर्शजा माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात, या जो दूसरा मीडियम अपन ने ले रखा है पहला एयर लिया तो पहले के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक के तुल्य होती है ध्रुवण कोण की स्पर्शजा। जैसे जैसे आप अपवर्तनांक चेंज करोगे एन का मान चेंज करोगे ध्रुवण कोण बदल जाएगा। तो स्पेसिफिक मीडियम के लिए एयर अपन ने इधर लिया, तो दूसरा माध्यम जो स्पेसिफिक अपन लेते हैं उसके लिए अपने लिए आईपी का मान भी क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, समझ गए। इसका मतलब माध्यम का जो अपवर्तन है या अपवर्तनांक है सपोज, वो अपवर्तनांक इस ध्रुवण की अवस्था पर विशेष प्रभाव डालता है, यानी उसके लिए किसी पर्टिकुलर कोई भी माध्यम आपके पास है उस पर्टिकुलर माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता है उसका मान अपन यहाँ रखेंगे टेन आईपी, आईपी का मान निकालेंगे टेन इनवर्स एन,
है ना। तो अपने लिए उस विशेष माध्यम के लिए क्या होगा, अपने लिए अध्रुवित प्रकाश है तो अपन उस कोण पर क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, परावर्तित प्रकाश अपन को समतल ध्रुवित मिल जाएगा। अगर अपन को समतल ध्रुवित काम में लेना प्रकाश, तो इस सिंपल से मेथड का अपन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या स्थिति रहती है, फॉर एग्जाम्पल अपन अगर कांच लेते हैं, है ना, कांच के लिए क्या रहता है 1.54 रहता है अपने पास n इक्वल टू, तो इस स्थिति में आई पी जो आएगा वो कितना आएगा, टेन इनवर्स 1.54, यानी अराउंड कितना आ जाएगा 56.3 डिग्री, यानी कई बार आपको 57 डिग्री भी लिखा हुआ मिल सकता है, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन क्या करते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश अपन काम में लेते हैं और उसको इस कोण पर आपतित करवाते हैं अभिलंब से, तो उस स्थिति में अपने पास जो परावर्तित प्रकाश मिलेगा वो क्या मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। और उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ब्रूस्टर का नियम कह रहे हैं यहाँ पर, कि एक विशेष कोण पर अपन क्या करते हैं, टेंजेंट उसका लेते हैं तो अपवर्तनांक के तुल्य आता है, इसकी सहायता से अपन समतल ध्रुवित को प्रकाश को एक्सप्लेन कर पाते हैं यहाँ परावर्तन के द्वारा। तो ब्रूस्टर ने क्या कहा कि एक विशेष कोण पर जैसे ही अपन आपतित करवाते हैं किसी माध्यम की सतह पर प्रकाश को, तो परावर्तित प्रकाश अपन को पूर्णतः ध्रुवित मिलता है और उस आपतन कोण की स्पर्शजा अपवर्तनांक के तुल्य होती है, समझ गए। और इस स्थिति में अपने पास परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें क्या मिलती हैं, एक दूसरे के लंबवत मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्शन द्वारा अपन के पास, अपने पास क्या था, पोलराइजेशन था, किसका, प्रकाश का, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड आता है अपने पास, बहुत सिंपल मेथड है, टफ नहीं है, इसी के साथ ही ले लेता हूँ मैं, है ना, इसलिए उसको देखते हैं, अपवर्तन द्वारा, किसके द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। क्या है अपवर्तन के द्वारा, बाय रिफ्रैक्शन। हमने अभी एक चीज़ देखी थी कि जैसे इंसिडेंट कराया था प्रकाश, जो दूसरा भाग था जिसमें अपवर्तित किरण मिली थी, उसके लिए एक नाम लिखा था अपने, आंशिक ध्रुवित। क्या लिखा था, आंशिक ध्रुवित। सपोज मैं एक कांच की प्लेट ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक कांच की, ये एक मैंने प्लेट ले ली कांच की, ठीक है, ये मैंने एक कांच की प्लेट ली, इस पर मैंने अध्रुवित प्रकाश इंसिडेंट कराया, अभिलंब की स्थिति ये है, है ना, यह अभिलंब की स्थिति है N1 और आगे तक N2, यह अभिलंब की स्थिति है। मैंने एक प्रकाश तरंग आपतित कराई यहाँ, और ये कैसी है, आपके पास अध्रुवित है, ठीक है, अध्रुवित प्रकाश आपतित कराया, आपतन के पश्चात क्या होगा, यहां से इस पे देखो क्या होगा, ये कांच की प्लेट है, कांच की पट्टी, देखो क्या होगा, यहां से अपवर्तित किरण मिलेगी आपको, अपवर्तित किरण तो जाएगी इधर, समझ गए, इधर जाएगी अपवर्तित किरण तो मुड़ के, और एक कौन सी मिलेगी अपन को, ये मिलेगी, एक कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी इधर जाने वाले परावर्तित, और हमने देखा था कि परावर्तित कैसी है, ऐसी है, परावर्तित कैसी है, समतल ध्रुवित है, इस प्रकार के हैं उसमें। लेकिन ये जो अपवर्तित गई है, है ना, ये जो अपवर्तित किरण इधर गई है, ये अपवर्तित किरण, ये आंशिक ध्रुवित है, है ना, आंशिक ध्रुवित है, यानी इसमें ध्रुवण तो आया लेकिन बहुत कम आया है। हम एक काम और करें, है ना, क्या करें कि अगर ये आंशिक ध्रुवित है तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर क्या करूँ, एक पट्टी और रख दूँ, है ना, कांच की पट्टी है वो एक और रख दूँ मैं, एक कांच की पट्टी और रख देता हूँ, ये मैंने एक कांच की पट्टी और रख दी, सपोज ये कांच की पट्टी मैंने एक और रख दी, अब क्या होगा, एक कांच की पट्टी रखने पर अब इस सतह पर क्या होगा, फिर वही स्थिति होगी, परावर्तित प्रकाश किरण जाएगी यूं, है ना, और वो जो परावर्तित प्रकाश है, उस परावर्तित प्रकाश का कैसा होगा स्वरूप, ध्रुवित, समतल ध्रुवित, लेकिन इससे क्या होगा, एक अपवर्तित भी तो जाएगी इधर,
इधर कौन सी जाएगी, एक अपवर्तित भी जाएगी। वो अपवर्तित अपन देख रहे हैं कि वो और ध्रुवित हो गई, पहले आंशिक थी अब और ज़्यादा, थोड़ी सा ध्रुवण उसमें बढ़ गया है ना, और ध्रुवण बढ़ गया तो हमें थोड़ा सा लालच आ गया कि ध्रुवण बढ़ रहा है, बढ़ रहा तो हमने क्या किया, एक पट्टी और ले ली कांच की है ना, एक पट्टी और ले ली, एक ले और लेते ही हमने देखा कि यहाँ से परावर्तन फिर होगा है ना, और क्या मिलेगा अपन को, परावर्तन और अपवर्तित प्रकाश किरणें मिलेंगी ठीक है। और ये जो परावर्तित किरण है ये तो कौन सी होगी, समतल ध्रुवित, और जो अपवर्तित मिली इधर वो भी क्या हुई, थोड़ा ध्रुवण और बढ़ गया। इस प्रकार से मैं ये पट्टियाँ बढ़ाता जाऊँ है ना, ये पट्टियाँ मैं क्या करूँ, बढ़ाता जाऊँ, और इस प्रकार से पट्टियों की संख्या भी मैं बढ़ा दूँ, समांतर रखता जाऊं इनको, ये स्थिति हो तो क्या होगा मेरे लिए, बार बार क्या मिलेगा मुझे, अपवर्तन और परावर्तन की स्थितियों से गुजरना पड़ेगा इनसे। और फाइनली मुझे जो प्रकाश किरण मिलेगी वो ये मिलेगी अपवर्तित, समझ गए। और ऊपर वाला जो प्रकाश मिल रहा है वो मुझे कैसा मिल रहा है, समतल ध्रुवित मिल रहा है, वो तो परावर्तित है जो हमने परावर्तन के द्वारा देखा ही था। और हमने यहाँ आपतन किस पे करवाया था, ब्रूस्टर एंगल पे करवा लिया था है ना, तो परावर्तित तो पूर्णतः ध्रुवित मिल गया अपन को, ये वाला समतल परावर्तित प्रकाश कैसा, समतल ध्रुवित ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, ये अपवर्तित जो प्रकाश है ये भी हमें क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात इधर मिला है ना, और इस अपवर्तित प्रकाश में हमें जो स्थितियां मिली हैं ध्रुवण की वो ये मिली हैं। बार बार इसका क्या करवाया अपने, परावर्तन और अपवर्तन कराया, बार बार इन पट्टिकाओं द्वारा परावर्तन और अपवर्तन कराया, तो फाइनली हमें क्या मिला, समतल ध्रुवित प्रकाश, क्या मिला, हाँ इसके तल हैं, इसके जो कंपन के तल हैं या ध्रुवण का अवस्था है वो कागज के तल के लंबवत है, बोर्ड के तल के, और इसके बोर्ड के तल में है ध्रुवण की अवस्था। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इन पट्टिकाओं द्वारा, कांच की पट्टिकाएं, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ा था छोटी मात्रा लगा के है ना, ये जो कांच की पट्टिकाएं हैं अगर एक के बाद एक के बाद एक क्रम से अपन रखते जाएं और अपन ध्रुवण कौन पर इंसिडेंट करवाएं, ए ध्रुवित प्रकाश को, तो हमें परावर्तित प्रकाश तो ध्रुवित मिलता ही, वो अपन पढ़ ही चुके, लेकिन हमने एक चीज़ और देखी थी उसमें कि आंशिक ध्रुवित होती है अपवर्तित किरण, इसलिए उस आंशिक ध्रुवित को फिर आगे डाला, आगे दूसरी पट्टी पर डालते फिर अपवर्तित किरण मिली, वो और ज़्यादा ध्रुवित, ऐसे करते करते लास्ट में पूर्णतया ध्रुवित मिल जाती है, समझ गए। इस प्रकार अपवर्तन के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, अध्रुवित प्रकाश को किस में बदल सकते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन तीसरा पढ़ेंगे कौन सा, द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, ठीक है।